फैशन डिजाइनर साइशा सिंधे इन दिनों रियलिटी शो लॉकअप में नजर आ रही है। हाल ही में एक एपिसोड में उन्होंने एक खुलासा किया है कि बॉलीवुड की एक लीडिंग फैशन डिजाइनर ने उन्हें चीट किया था और उन्हें कुछ वक्त के लिए फिल्म इंडस्ट्री ने बैन भी कर दिया था। दरअसल शो के होस्ट कंगना ने साइशा से एक सीक्रेट शेयर करने को कहा था और तब उन्होंने ये बात सबको बताई। साइशा ने कहा कि मैं इंडस्ट्री में नई थी, तब एक इंडियन डिजाइनर था जो कि मेरा फेवरेट हुआ करता था। मेरा एक फैशन वीक में दूसरा या तीसरा शो था, जब मैं उस डिजाइनर से मिली तो मैं उनसे प्रभावित हो गई। उन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहा और मैं बहुत उत्साहित हो गई। उन्होंने मुझे होटल रूम में बुलाया। मैं समझ गई थी कि अगर मुझे वे अपने होटल रूम में बुला रही है तो ये केवल नॉर्मल मीटिंग तो नहीं होगी। फिर उन्होंने मुझसे प्यारी प्यारी बातें की और कहा कि तुम्हारी लाइफ एक सूटकेस की तरह है और मैं तुम्हें एक होटल से दूसरे होटल तक ले जाता रहूंगा। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि उनकी जिंदगी में काफी दुख दर्द है। ये सब सुनकर मैंने उन्हें गले लगा लिया और हमारे बीच नजदीकियां बढ़ गई। उसके बाद मैं उनके टच में रही। इसके बाद मुझे मालूम चला कि उस डिजाइनर ने वो सूटकेस वाली कहानी मेरी एक दोस्त को भी सुनाई थी और उसे होटल रूम में ले गए थे। उन्होंने 7 से 8 लड़कों के साथ भी यही किया। जब ये बात इंडस्ट्री में फैली तो मुझे बैन कर दिया गया। मुझे फैशन वीक में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि मुझ पर आरोप लगे कि मैं उस डिजाइनर के बारे में गलत अफवाह उड़ा रही हूँ। तो ये मेरी बड़े डिजाइनर के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप की कहानी है जिसने मुझे धोखा दिया। आपको बता दें कि साइशा ने पिछले साल अपना जेंडर चेंज करवा लिया था और वह लड़के से लड़की बन गई थी। पहले उनका नाम स्वप्निल सिंधे था। वह कई बड़ी एक्ट्रेसेस के ड्रेसेस डिजाइन कर चुकी है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये खबर कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।